दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवों के देव महादेव फेम एक्टर मोहित रैना ने 1 जनवरी 2021 को अदिति शर्मा से शादी रचा ली है और इनकी शादी की कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। वहीं दर्शक इन दोनों की जोड़ी को देखकर खूब प्यार बरसा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको मोहित रैना और अदिति शर्मा की शादी के बाद के नेक्स्ट प्रोग्राम यानी कि उनके एक्सपेंसिव हनीमून के बारे में बताने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें, शादी के तुरंत बाद मोहित रैना ने अपनी हम सफर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए काफी एक्सपेंसिव हनीमून चुना है, जिस पर इन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया है। इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो जल्दी जल्दी जानते हैं और स्टार्ट करते हैं और रूबरू होते हैं इनके हनीमून से। पर उससे पहले आप अपने फेवरेट अभिनेता मोहित रैना के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देवों के देव महादेव सीरियल में महादेव का किरदार निभाने वाले अभिनेता मोहित रैना काफी समय से अदिति शर्मा को सीक्रेटली डेट कर रहे थे। जहां अंकिता लोखंडे की शादी के बाद इन्होंने भी इंस्टेंट शादी करने का प्लान बना लिया और बंध गए 2022 में शादी के बंधन में, जहां इन्होंने शादी पर खूब पैसा बहाया और उड़ाया। पर अब अपनी हम सफर को खुश रखने के लिए, उनके साथ कॉलेज टाइम बिताने के लिए उन्होंने जो हनीमून प्लेस चुना है वो काफी ज्यादा शानदार है। साथ ही इनका ये हनीमून काफी एक्सपेंसिव होने वाला है। खबरों के मुताबिक मोहित रैना ने अपना हनीमून कश्मीर का 5-स्टार होटल विवांता डाल व्यू चुना है, जिसके लिए पर नाइट 4 लाख रुपए चार्ज करने पड़ते हैं। और इन्होंने तो इस रिसोर्ट को करीब 4 से 5 दिन के लिए बुक किया है। ये तो सिर्फ रहने का खर्च है। वही मोहित रैना और अदिति शर्मा के इस हनीमून उनको और भी स्पेशल बनाने के लिए ये रिसॉर्ट इस क्यूट कपल को काफी सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहा है और उसके साथ काफी सारे पैसे भी ले रहा है। रिसॉर्ट वाले इन्हें कैंडल लाइट डिनर, स्पा और सेपरेट ज्यादा समय बिताने के लिए रूम का अच्छे से डेकोरेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, साथ ही अपनी वाइफ को और भी अच्छा फील करवाने के लिए मोहित रैना ने अदिति शर्मा के लिए एक रिसॉर्ट में ही उनके अनुसार अच्छे से डेकोरेशन करवा कर बहुत से एक्सपेंसिव गिफ्ट प्लान किए हैं जो अदिति को पसंद है। इनमें डायमंड रिंग और हार्ट शेप का लॉकेट भी शामिल है। इन गिफ्ट का खर्च अलग से मोहित ने उठाया, साथ ही जो डेकोरेशन हुआ उसके लिए इन्होंने अलग से पैसे खर्च किए हैं। और ये सभी चीज़ों से पता चलता है कि इनके लिए पैसा इतना मायने नहीं है, पर इनके लिए इनकी पत्नी की खुशी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो उन्हें खुश करने और उन्हें स्पेशल फील करवाने के लिए इन्होंने श्रीनगर में इतना लग्जूरियस हनीमून प्लान किया है। तो दोस्तों, मोहित रैना के इस एक्सपेंसिव हनीमून के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।